कि कभी आपके साथ कोई इस तरह का साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड हुआ है? मेरे अकाउंट दे विचों एक बारी 14,000 निकल गए, सेकंड टाइम मेरे 8,000 निकल गए, एदें थर्ड टाइम फिर होया 6,000 फिर निकल गए। ए साइबर क्राइम तो इन्ना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सानू अपने आप दे सेफ नहीं लगता हूँ। पैसा अंदर बैंक दे विच पिया होया भी उत्थे जाके गल सुनन नू मिली है भी इत्थे सारे नाल जिवें कोई नाल भी सी कोई ASI भी सी उन्होंने भी क्रेडिट कार्ड दे विचों पैसे निकले। मैनू साइबर सैल तो कॉल आई भी सर तुहाडी एक रिक्वेस्ट आई सी एक साल पहला। मैं क्या सर वो तो साल हो गया, साल बाद हूँ। दोस्तों आज के युग में जो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है वो इंटरनेट है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले की बात करें तो चाकू और बंदूक सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार माना जाता था, पर आज के युग में अगर हम बात करें तो वो इंटरनेट है। जी हाँ, सही सुना है आपने। तो इसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं लुधियाना की घुमार मंडी मार्केट में, जहाँ पर हम पूछते हैं यहाँ पर जो आए लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके साथ कभी साइबर फ्रॉड हुआ है और अगर हुआ है तो किस तरह का हुआ है। तो आइए जानते हैं और पूछते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। हेलो सर। हाँ जी, तो आपको पता है कि आजकल साइबर क्राइम कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके के लोगों के चोरी हो रही है, चाहे हम बात करें उनके बैंक अकाउंट से उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है, OTP के थ्रू हो रही है, कोई लिंक क्लिक करके हो रही है। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी आपके साथ कोई इस तरह का साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड हुआ है? मैम लास्ट 1.5 ईयर प्रीवियस की गल कर रहे हैं, मैनू एक कॉल आती है एज अ कस्टमर, मेरे नाल बंदा गल करता है ते मैनू मेरी टर्बन शॉप है, टर्बन शॉप से रिगार्डिंग मैंने मेरे नाल डिटेल्स शेयर की भी यह चीज़ चाहिए है, तो उन्हें मेरे को बुक करवा दी। बुक की अमाउंट जब मैं उन्हें कोड की भी इन्नी मतलब 50,000 है, तो उन्हें मैंने कहा मैं तुम्हें पेमेंट सेंड कर रहा, तुम एक्सैप्ट कर लो। तो मेरे को राशि तो मैं इन्ना देख नहीं पाया, तो उन्हें डेबिट या क्रेडिट का मेन मिसटेक होंगी है, जो बेसिकली ना किसी भी तुम आप मैसेज करते हैं तो या एक मान के चलो रिक्वेस्ट की थी पेमेंट की, तो उन्हें डेबिट या क्रेडिट के ना ऑप्शन होंगे, वो दोनों एडिट करके भी सेंड कर देंगे लोग। इदा ही मेरे नाल होया, मैसेज आया, मैं जिवें ही पेमेंट एक्सैप्ट की है तो मेरे अकाउंट के एक बारी 14,000 निकल गए, सैकेंड टाइम मेरे 8,000 निकल गए, इदा ही थर्ड टाइम फिर होया 6,000 फिर निकल गए। तो जब मैं देखा मेरे बैलेंस डिक्रीज़ हो गया तो मैं उन्हें गल की, कहता नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता भी, मैं आपको अपना ID भी सेंड कर देता हूँ, एज अ मैं यहाँ पर आर्मी में हूँ तो हमारे हम किसी के साथ गलत नहीं करते। वो उन्हें मैंने बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, लेकिन जब मैं उन्होंने कहा मैं भी मेरे ना इस तरह होया मैं तेरी रिपोर्ट कराँगा, मैं इमीजिएटली पहले तो अपने अकाउंट्स जोड़े से फ्रीज़ करवाए, टॉल फ्री नंबरस है अपने को अपने फ्रीज़ करवाए, फ्रीज़ हार्डली 2 मिनट का टाइम लग गया, तो वो जी बाकी दी अमाउंट सी मेरे अकाउंट दे विच चलो थोड़ा सिक्योर होगी। उन्होंने मैं गल की उन्हें फिर मैं बाद विच रिपोर्ट करवाई इमीजिएट, वो रिपोर्ट दे अगेंस्ट मान के चलो मैनू उन्होंने कहा भी तुसी अपनी साइबर क्राइम दे विच चले जाओ, उत्थे जाके एक पनीर रिक्वेस्ट दे दो। मैं जाके रिक्वेस्ट दिती है, मैं मेरे ख्याल में मैनू उस वेले मैं 5 to 6 days मैं उन्होंने को रेगूलर जाता रहा, लेकिन कोई इमीडिएट मान के चलो एक्शन होंदा वो चीज़ नहीं सी। उत्थे जाके गल सुनन नू मिली है भी इत्थे सारे नाल जिवें कोई नाल भी सी कोई ASI भी सी उन्होंने भी क्रेडिट कार्ड दे विचों पैसे निकले, किसी ने कितने जाके निकलवा ले। देखो ये साइबर क्राइम तो इन्ना ज़्यादा बढ़ चुका है भी सानू अपने आप दे सेफ नहीं लगता हूँ। पैसा अंदर बैंक दे विच पिया होया भी मतलब हूँ यह नहीं लगता भी हाँ साडा बैंक दे विच पैसा पिया सेफ है, वो चीज़ अज मन के चलो भी मोर दैन 1.5 ईयर हो गई है मेरे पैसा हजे तक थ्रू आउट होया। उन्होंने अज तो 4 months पहला मेरी मैनू साइबर सैल तो कॉल आई भी सर तुहाडी एक रिक्वेस्ट आई सी एक साल पहला। मैं क्या सर वो तो साल हो गया, साल बाद हूँ मतलब तुम कहते सर वो नहीं साढ़े ऑफिसर ने इदा इदा भी डिटेल्स उन्होंने कहा भी सारे की कवर अप करो। मैं कहना सर तुम इनू कॉन्टीन्यू करना चाहते हो या क्विट करना चाहते हो? मैं क्या मैंने दसो मेरा पैसा मिल जाएगा? मैं कहता सर इदा भी तुहाडा जिहड़ा पैसा डायरैक्टली अकाउंट में जाए वो तो तुहानू मिल जाता है, अदरवाइज किसी पेटीएम में चला गया उन्हें या अपने गोल्ड दे विच लगा लिया तो उन्दे विच तुहानू वो मनी नहीं मिलनी। मैं फिर उतों उन्होंने मैं क्या सर मैंने तो हरास होना भी मान के चलो मेरा जे
22,000 ਰੁਪਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਇਟ ਮਤਲਬ ਕੁਇਟ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 6,000 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 6,000 ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗਾ 10,000 ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ OTP ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ तो आजकल इतने ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट के साथ इतने फ्रॉड हो रहे हैं चाहे अगर हम बात करें बैंक अकाउंट की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में भी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं उसी के साथ अगर हम बात करें अलग अलग साइट्स लाइक मैट्रिमोनियल साइट्स शॉपिंग वेबसाइट्स इतनी ज्यादा वेबसाइट्स में फ्रॉड हो रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग लाइक आपको ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा कंफर्टेबल लगती है या फिर कैश ऑन डिलीवरी कैश मैडम तो कैश वाली पेमेंट आपको क्यों अच्छी लगती है मैडम ऑनलाइन में ना काफ़ी फ्रॉड होते हैं बहुत सी बार पेमेंट नहीं आ पाती तो इसलिए हम कैश ही लेते हैं सो मतलब आपके अकॉर्डिंग कैश पेमेंट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इजी है एंड सेफ है सो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप लाइक ज़्यादा पेमेंट्स ऑनलाइन पेमेंट्स यूज करते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी वाला मोड यूज करते हो मैं मोस्टली ना कैश ऑन डिलीवरी यूज करती हूँ बिकॉज कैश ऑन डिलीवरी मुझे इजी लगता है तो ऑनलाइन मैं कर भी देती हूँ बट स्टिल जहाँ पे पैसे नहीं लेके गए तो वहाँ पे ऑनलाइन करती हूँ अदरवाइज तो मैं कैश ऑन डिलीवरी ही करती हूँ बिकॉज वो सबसे ईजी वे है जिसे नहीं ऑनलाइन करना आता वो ईजी वे से कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है तो आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा सेफ कौन सा है मतलब कैश ऑन डिलीवरी है या फिर ऑनलाइन पेमेंट है सेफ तो दोनों ही है बट बिकॉज जो एजुकेटेड है उन्हें तो कैश ऑन मतलब ऑनलाइन पेमेंट ही अच्छी लगती है बट जो अनएजुकेटेड है उन्हें तो कैश ऑन डिलीवरी ही करनी पड़ती है मोस्टली हम शॉप्स में जाते हैं अनएजुकेटेड जाते हैं तो उन्हें तो यही है कि हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे बिकॉज कोई भी आजकल आप भी देखते हो जो हाउस वाइफ्स हैं मतलब कि एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह बहुत कम होते हैं उनके पास ओनली वैसे कीपैड्स वगैरह होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं मतलब कि ऑनलाइन नहीं कर सकते वो कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू ही करते हैं तो इसलिए तो उन्हें तो कैश ऑन डिलीवरी ही करना चाहिए ये दोनों बेनिफिट्स हैं वैसे तो इसके साथ ही आज हमने यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे हमने बातचीत की और उनसे पूछा कि उनको ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है सेफ लगता है या फिर कैश ऑन डिलीवरी यानी कि COD ज़्यादा सेफ लगता है तो इसके साथ ही मैं दीप नयन आप सभी से लेती हूँ इजाज़त तब तक देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस